हमारा आज का अनुमान है मोहसिन तबीब इफेक्टिव टीचिंग। उस्ताद पढ़ाता है बताता है और बच्चे क्लास में होते हैं तो इसको महज तदरीस कहा जाए, लेकिन अगर हम ये कहें कि उस्ताद पढ़ाता है और बच्चे जो है सीखते हैं, टीचर टीच एंड स्टूडेंट फॉलो इट्स टॉपिक, इट इज़ इफेक्टिव टीचिंग। यानी सही मायनों में जो है मतलब ये कि मौसर तदरीस। अब इस बुनियाद पर मौसर तदरीस जो है उसके कुछ ज़रूरी फैक्टर हैं। देर आर मेन फैक्टर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इन विच इन्वायरमेंट, लेसन प्लानिंग एंड एवीएड टीचिंग एड्स, यानी क्लास का माहौल, इमदादी अशिया और सबक। सिर्फ सबक को सबक कहने काफ़ी नहीं है, बल्कि आपने सबक को पढ़ाने के लिए तैयार किया है। सबक के अंदर कितनी चीज़ें हैं और उन तरजियात की बुनियाद पर उन चीज़ों की क्या तरतीब है, पहले क्या बताना है, उसके बाद क्या बताना है, उसके बाद क्या बताना है, तो ये बड़ी अहमियत रखता है इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए। और उस दौरान टॉपिक के लिहाज से हमें कुछ चीज़ें मतलब कि आसानी पैदा करने के लिए बतानी पड़ती है कि स्टूडेंट इसको देखे और समझे, तो वो हमारी मतलब ये कि टीचिंग एड्स कहलाती है। अब इसमें क्लास का माहौल क्लास क्लास की तरह हो, यानी इसमें फर्नीचर भी है, ज़रूरी एवीएड भी उसके अंदर जो है वो लगे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात ये वहाँ जो बच्चे बैठे हैं वो ज़हनी तौर पर तैयार है कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखना है, ये हमें बताएंगे और वो हम समझेंगे वो चीज़ किस तरीके से होती है। तो इस तरीके से बुनियादी तौर पर इन्वायरमेंट, टीचिंग एड्स और प्लान्ड लेसन, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि अहमियत रखता है। अब यहाँ पर ज़रा सी बात होगी इमदादी अशिया की। तो इमदादी अशिया की क्लासिफिकेशन से पहले हमने ये देखना होगा कि हमारी कौन सी मतलब ये के हिस्से हैं। ज़ाहिर बहसत इंसान हमारी पांच हिस्से होती हैं और उन हिस्सों में दो हिस्से या दो सेंसेस जो है वो बहुत नुमाया होते हैं, सुनने और देखने। यानी मतलब ये कि बुनियादी तौर पर आपने क्या बोला और उसके बाद मैंने आपसे सवाल किया तो इसका ताल्लुक समाज पर होता है। आप जो बता रहे हैं और आप जो दिखा रहे हैं उसका ताल्लुक बसारत पर होता है। उस बुनियाद पर हम एवीएड बनाते हैं, वो हमारी टीचिंग एवीएड कहलाती है, जो बहुत जरूरी है।